मेरे को अरे भैया हम आरपी की तरफ से नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं। क्या आपका वोटर कार्ड बन चुका है? नहीं। क्या करो? अरे क्या कर रहे हो? अरे वो मैंने नहीं बनवाना वोटर कार्ड, वो मैंने नहीं बनवाना यार। अंकित भाई पबजी छोड़ो यार, बचाओ यार। सर वोटर आईडी बनवानी है। भाई भाई तेरे पीछे बंदा है, वो सामने सामने। सर सर रिवाइव कर मोटर, रिवाइव। तो क्या करवा दिया यार? क्या सर वोटर आईडी बनवानी है। चलो धार कर दो अपना, पैन कार्ड भी दो। पैन कार्ड तो नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस? वो भी नहीं है। यार कैसे बंदो यार तुम, बीटेक की डिग्री तो होगी। हाँ हाँ सर, ये तो आजकल सबके पास है सर। हाँ कहाँ से आ जाते हैं। चलो तो 3 दिन बाद ले जाना, बन जाएगा ना 3 दिन। हाँ बन जाएगा। नेक्स्ट। ओह ये किंकी स्टफ। चुनाव का दौर है, आइए जानते हैं लोगों की मन की बात। आपको देख के लगता है कि आप बीजेपी को वोट डालने आए हैं। अरे ना, ये तो बाहर थमा गया था कोई, कांग्रेस तो अपने दिल में है। तो मतलब आप कांग्रेस को वोट डालोगे? वोट तो डालेंगे, आम आदमी को बदलाव चाहिए हमें, बदलाव। आम आदमी पार्टी। लगता है इलेक्शन में मिलने वाली फ्री की दारू कल रात इन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। आप भाई साहब इधर आराम से खड़े होंगे। ठीक है, तो आप किसको वोट डालने आए हैं? मैं किसी को वोट नहीं डाल। तो आप किस लिए आए हैं? मैं नन ऑफ द अबव दबाने के लिए। ओह लगता है आप पिछली सरकारों ने आपकी मांगे पूरी नहीं की। लगता है हमारा सवाल समझ नहीं पाए, आगे चलते हैं। तो आप किसको वोट डालने आए हैं भाई? वोट? ये लंगर की लाइन नहीं? जी नहीं नहीं, ये लंगर की लाइन नहीं है। लंगर वहाँ मंदिर में है, या ये वोटिंग की लाइन है? थैंक यू, आप गलत आ गए। कैमरामैन मिया कुमारी के साथ मैं जोनी सिंह, ग्रेजर न्यूज से इंडिया। वोटर आई डी दो। तुम जैसे की वजह से ये ईवीएम खराब होता है। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। ये सब मजाक था, लेकिन आप वोट जरूर डालने जाएं। और याद रखना, अगर आप आज वोट नहीं डालते तो आपको कोई हक नहीं कि आने वाले 5 सालों में आप सरकार को गाली दें। अच्छा।